जय हिंद। नमस्कार मेरे सहचरणियों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो आपका सबसे ज्यादा डिमांडिंग वीडियो है कि फिजिकली कट ऑफ कितनी जाएगी। इसके पीछे कई रीजन है कि जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं उनको लगता है कि सर पिछली बार से कम जाएगी, और जिनके नंबर अच्छे हैं उनको लगता है सर पिछली बार से तो इस बार ऊपर जाएगी। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर बीच के हैं, बीच के मतलब कि पिछली बार की जो कट ऑफ गई थी फाइनल, उसके आसपास में जो बच्चे हैं ना वो ज्यादा पिछ रहे हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो उनमें एक संदेह और है, मान के चलो पिछली बार की कट ऑफ 100 नंबर पे गई है, किसी बच्चे के 100 नंबर है, अब वो नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में बैठा कि सर नॉर्मलाइजेशन में मेरे नंबर कितने बढ़ेंगे। ठीक है, आपके मन में भी संदेह होंगे, और आप सबको बता दूं ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली इसलिए कि अगर आप फिजिकल की तैयारी आपको करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर आपके नंबर अच्छे नहीं है तो आपको आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करनी चाहिए जिसके 15 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तब आपको फिजिकल में समय बिताना चाहिए, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी 6 साल बाद में आ रही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब जिनके नंबर, यहाँ कुछ स्टेट वाइज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से स्टेट पे कितनी फिजिकली कट ऑफ रह सकती है, ध्यान रखना एक अनुमान है, और जो मेरा अनुमान है वो सटीक अनुमान जाता है। ये वीडियो मैंने आज तक कभी भी अपने कट ऑफ की वीडियो डिलीट नहीं किए, सटीक जाने के पीछे रीजन मैं हमेशा आपको बताता हूँ ऑफलाइन बच्चों का जो रिव्यू है वो, क्योंकि ऑनलाइन में सिर्फ वही बच्चे रिव्यू करते हैं जिनके अच्छे नंबर होते हैं। ऑफलाइन में मेरे पास में अकेडमी के जो 100 बच्चे हैं वो 100 के 100 उनको बताना ही पड़ता है कि सर मेरे इतने नंबर है, या मैं खुद चेक कर लेता हूँ। अगर 200 बच्चे हैं 200 का चेक कर लेता हूँ, और उसमें यह देखता हूं कि जो नए वाले बच्चे हैं उनका स्कोर कहां तक आ रहा है, पिछली बार पेपर दिए उन बच्चों का कहां तक आ रहा है, और जिस बच्चे को 2 से 2.5 साल हो गया उसका स्कोर कहां तक जा रहा है। मैं आपको बताऊं, अगर आपने किसी भी बच्चे के मुंह से 140 नंबर या 138, 140, 145, 148 या 150 नंबर सुना है, तो बच्चा 100% उसका दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट होगा एसएससी जीडी में। तो ऐसे बच्चों की संख्या कितनी होगी, क्या ऐसे बच्चे 25,000 बच्चे मिल जाएंगे? आप भी सोचो, बिल्कुल मिल सकते हैं, क्योंकि पिछली बार कई बच्चे रह गए थे, इस बार पिछली बार की बजाय पोस्ट ऑफ वैकेंसी कम है, तो उसकी वजह से भी आपको डर लग रहा है। तो चलो मैं आपको तुलना करके बताता हूं कि एसएससी जीडी 2018, 2021, 2023 और एसएससी जीडी 2024 में कट ऑफ के आंकड़े कहां तक रहने वाले। देखो लाडू, सबसे पहले हम देखते हैं, अगर एसएससी जीडी 2018 वाले की बात करें तो टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसी थी 60,210। ध्यान रखना 2018 में ऑफलाइन पेपर होता था, पेपर में 2 घंटे का समय और 100 नंबर का पेपर होता था। उसके बाद में जो इस बार वैकेंसी थी कितने पदों पर थी, 26,146, सेम 25,271 पदों पर वैकेंसी हुई थी 2021 में। जो 2022 में वैकेंसी हुई थी, यानी जिसको हम 23 वाली वैकेंसी बोलते थे, वो 50,187 पोस्ट पर थी, और अभी वाली 26,146। अब ध्यान रखना ये वैकेंसी में पहले वाली क्यों लेके आए, उसके पीछे रीजन है, हम किससे तुलना करें। अगर हम इस वैकेंसी से कट ऑफ की तुलना करें, पेपर का लेवल सभी का समान था, थोड़ा सा अंतर क्या था वो मैं आपको बताऊं। इन दोनों में क्या था, ये जो दोनों की दोनों थी इसमें ऑफलाइन पेपर था, 100 नंबर का पेपर था, ठीक है, 25 क्वेश्चन हर एक पार्ट के, और 2 घंटे का समय मिलता था, ठीक है। जैसे ऑनलाइन पिछली बार फिर क्या हुआ, 1 घंटे का समय कर दिया, इसमें मिलता था 2 घंटे का। जब ये ऑनलाइन पेपर हुआ था ना, तब 100 क्वेश्चन के लिए 1.5 घंटे का समय था, ध्यान रखना 90 मिनट का समय था इसमें, इस पेपर में, इसमें 2 घंटा। जैसे ऑनलाइन हुआ था पहले 90 मिनट का समय, फिर क्वेश्चनों की संख्या घटाकर यहां पर कर दी थी 80 क्वेश्चन, और समय कर दिया था 60 मिनट, और ये इस बार हुआ है। तो अगर हम पिछली वाली वैकेंसी से इससे तुलना करें, तो इसमें एक पंगा यह था कि पिछली बार वैकेंसी एक तो ज्यादा थी, एक 3 साल का अंतराल था, यह भी एक कारण हो सकता है कि पिछली बार कट ऑफ से हम तुलना करें कैसे, क्योंकि पिछली बार 3 साल की छूट भी तो थी, लेकिन क्या पिछली बार के कट ऑफ से इस बार की कट ऑफ हाई जाएगी। तो अगर हम देखें आंकड़े, देखो फिजिकल की जो कट ऑफ है वो पिछली बार की कट ऑफ से इस बार हाई जाने का सबसे मुख्य कारण है, थोड़ी बहुत ऊपर जाने का जो मुख्य कारण है वो है पेपर का लेवल। क्योंकि पिछली बार जितने भी बच्चों ने रिव्यू दिया था हमारी एकेडमी के, ऑफलाइन बच्चों की रिव्यू की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना ऑनलाइन वाले बच्चों की रिव्यू की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऑनलाइन में अक्सर वही बच्चे रिव्यू करते हैं जो बच्चे अच्छे मार्क लाते हैं, जो जिन बच्चों के कम नंबर होते ना वो बोलते भी नहीं है। ऑफलाइन एकेडमी के रिव्यू की बात करूं तो पिछली बार बच्चे जो हमारे एकेडमी में थे वो बता रहे थे कि सर ये क्वेश्चन मैथ में हार आया, ये नहीं बना पाया,
या ये क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन के बारे में। इस बार हर एक बच्चा बोल रहा था कि सर पेपर बहुत आसान आ रहा है, पेपर बहुत आसान आ रहा है। तो ये तो वास्तविकता कि पेपर का लेवल बहुत डाउन है। तो आंसर की भी आ गई, हमने भी देख लिया पेपर का लेवल पिछली बार के बजाय इस बार लेवल डाउन है। तो पूरा चांस है कि इस बार की कट ऑफ पिछली बार की कट ऑफ से ज्यादा जाएगी। उसके पीछे दो रीजन है, एक तो पोस्ट ऑफ वैकेंसी पिछली बार के बजाय इस बार आधी है, दूसरा पेपर का लेवल। तो अगर हम पिछली बार की बात करें, देखो 2018 में जब ऑफलाइन पेपर होता था 100 नंबर का, तब राजस्थान की गई थी 81, 100 में से 81 का मतलब 81%। फिर यहां पर गई थी 67, यहां पर 67 जाने के पीछे रीजन था कि पहली बार ऑनलाइन पेपर हुआ था, 90 मिनट का समय कर दिया था, ठीक है, यहां पर 90 मिनट का समय मिलता था, यहां कितना मिलता था 2 घंटे का, ऑनलाइन पेपर था, यहां ऑनलाइन पेपर हुआ 90 मिनट का समय, इसलिए 67। और ये कोरोना के बाद में की वैकेंसी थी, इसमें फॉर्म भी बहुत कम अप्लाई हुए थे, ये भी ध्यान रखना। अब ये थी पिछली बार, पिछली बार लड़कों की पोस्ट थी 44,614, उसमें जो राजस्थान की कट ऑफ गई थी वो गई थी 122 नंबर। 122 को अगर हम परसेंटेज में बदले तो कितने परसेंटेज पे गई थी, 76% पे। तो इस बार कितनी जा सकती है, देखो पिछली बार 44,000 पोस्ट थी, इस बार लड़कों की 23,000, यानी लगभग आधी पोस्ट हो गई है भाई, आधी पोस्ट हो गई। 44,000 अगर हम दुगना करें तो लगभग 46,000 के आसपास आधी पोस्ट हो गई है। जो फॉरम अप्लाई है वो भी इस बार कम हुए पिछली बार की बजाय, क्यों, पिछली बार 3 साल की छूट थी, इस बार वो नहीं थी। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो तो मुझे ऐसा लगता है कि 128 नंबर के आसपास फिजिकली कट ऑफ जाएगी राजस्थान की। ये ध्यान रखना, हम केवल जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी कट ऑफ जनरल कैटेगरी के हिसाब से है, किसी में भी और कोई कैटेगरी का नहीं है। 128 के आसपास, यानी अगर आप आगे पीछे लो तो हो सकता है कि 126-27 या 28-29, लेकिन अगर मेरे से पूछो तो मैं 128 को ज्यादा जोर देने की कोशिश करूंगा कि 128 पर रह सकती है राजस्थान की इस बार की फिजिकली कट ऑफ लड़कों की, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की 2018 में गई थी 78, 2022 वाली जो 21 वाली भर्ती थी उसमें गई थी 66, राजस्थान से हमेशा कम रहती है, लेकिन पिछली बार जो राजस्थान से ऊपर गई थी फिजिकली कट ऑफ उत्तर प्रदेश की, इन दोनों वैकेंसियों में कम थी लेकिन पिछली बार ऊपर चली गई थी, और इस बार भी मुझे लगता है कि ऊपर जाएगी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश से इस बार एक तो री एग्जाम हुआ है, उसमें भी उत्तर प्रदेश के कई बच्चे ज्यादा है, तो उनको नॉर्मलाइजेशन का भी फर्क पड़ेगा, प्लस उन शिफ्टों के बारे में पेपर भी लो आया उनका, और भी लो हो गया जो आ रहा था उससे भी लो। तो मुझे लगता है कि इसके 77% से इसको 80% तक लेके जा सकती है इस बार, 80% का मतलब लगभग 128 से 130 के मध्य फिजिकली कट ऑफ जाने के चांस है उत्तर प्रदेश से, ये अनुमानित है। हाँ, इससे नीचे रहने के चांसेस मुझे नहीं लगता भाई, और जब आंकड़े आएंगे तब आप देख लेना भाई, मुझे जो मेरा अनुमान ना वो मैं बता रहा हूं आपको। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो अगर हम पिछली बार से ही तुलना करें तो पिछली बार आप ये भी ध्यान में रखना, ठीक है, पिछली बार मध्य प्रदेश से 118 नंबर यानी 74% गई थी, इस बार अगर कितना जा सकता है तो मैं आपको बताऊं, पिछली बार से अगर हम परसेंटेज में इंप्रूव करें तो 2 से 3 नंबर इंप्रूव करके मैं 121 नंबर से लेकर 123 नंबर के बीच में मध्य प्रदेश की कट ऑफ मानता हूं फिजिकल की कि जाएगी, जनरल कैटेगरी की है सारी की सारी, अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं की। बिहार की बात करें तो पिछली बार 72% यानी 115 नंबर वाले को फिजिकल के लिए बुलाया गया था, मुझे लगता है इस बार बिहार से 120 वाले बच्चे का चांस बनेगा फिजिकल के लिए, क्योंकि पोस्ट ऑफ वैकेंसी काफी कम है, ठीक है, 120 हो सकता है 118, ध्यान रखना निचला हिस्सा 118 है और ऊपर वाला हिस्सा 122 है, इसके बीच में ही फिजिकली कट ऑफ रहनी है, ध्यान रखना आप इस चीज को नोट करते जाना भाई। और अगला राज्य है पश्चिम बंगाल, पिछली बार 53% यानी 85 नंबर पर, इस बार मुझे लगता है पश्चिम बंगाल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 85 नंबर से ज्यादा होके 87 या 90 तक, मैक्सिमम 90 तक, 87 के आसपास ही पश्चिम बंगाल की रहेगी, 90 तक मुश्किल से जाएगी फिजिकली कट ऑफ। अगर हम गुजरात की बात करें तो 47% पे गई थी, इस बार 50% कर लो बराबर यानी 80 नंबर, 80 नंबर के आसपास जिन बच्चों के फिजिकल में कट ऑफ 80 नंबर आ रहे हैं अभी वो फिजिकली लिए क्वालिफाई होंगे गुजरात से। असम की हम बात करें तो पिछली बार 35% थी, इस बार उसको 40% कर लो आप, ठीक है, तो 48 नंबर, 64 सॉरी या 60 के, 60 से 64 के बीच में रहेगी असम से। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो देखो
महाराष्ट्र से पहले 2018 में 59 नंबर पे थी। ये लड़कों लड़कों की लड़कियों की आगे ध्यान रखना, ये सिर्फ लड़कों की बात कर रहा हूं मैं, ये केवल पुरुष पुरुष की है ना, आगे लड़कियों की बात करेंगे। महाराष्ट्र से और जो 2022 वाली वैकेंसी थी उसमें कम हो गई थी 46, क्योंकि वो ऑनलाइन पहली बार हुआ था तो कई बच्चों को समझ में नहीं आया उसके कारण। और पिछली बार गई थी वो गई थी 55% यानी 88 नंबर पर। इस बार महाराष्ट्र से मुझे लगता है कि लगभग 92 के बीच में रहेगी फिजिकल की कट ऑफ। झारखंड की बात करें तो बिल्कुल बढ़ेगी 105 से, इस बार जनरल कैटेगरी मुझे लगता है 110 नंबर पर रहेगी फिजिकल की कट ऑफ, 5 अंक बढ़ जाएगी ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, और आप भी जब आएगा रिजल्ट तो उस समय आपके सामने भी आ जाएगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो पिछली बार 88 है, मुझे लगता है 90 या 92 तक रहेगी। हरियाणा की अगर हम बात करें, पिछली बार 122 फिजिकल की कट ऑफ हुई थी लड़कों की, तो इस बार मुझे लगता है कि ये जो कट ऑफ है ये लगभग 80% तक जा सकती है, यानी 128 नंबर के आसपास, हो सकता है 125, 126 या 128 तक, मुझे लगता है कि 128 के अराउंड रहेगी, मैक्सिमम चांस है कि 128 के आसपास रहेगी भाई फिजिकली कट ऑफ हरियाणा से। ये तो है लड़कों की, जो मैं अनुमानित आपको कट ऑफ बता रहा हूं देख लेना, इसके इर्द गिर्द ही आपके आंकड़े आएंगे, ये ध्यान रखना, पूरे के पूरे जनरल कैटेगरी के, यानी अब तो बाकी तो सब इससे नीचे रहेगी, इससे ऊपर ओबीसी की जा सकती है केवल एक राजस्थान में और एक हरियाणा में, सॉरी उत्तर प्रदेश में, यहां ओबीसी की ऊपर भी जा सकती है। दो ऐसे स्टेट है जहां पर कई बार ओबीसी लीड मार जाती है, राजस्थान में तो हर बार मारती है, इस बार भी मारेगी। अगर जनरल की 128 गई राजस्थान से तो ओबीसी की 129 जाएगी, ज्यादा जाएगी ओबीसी की, पक्का 100% ओबीसी की ज्यादा जाएगी यहां से इन दो राज्यों में। अब अगर हम लड़कियों की बात करें तो पिछली बार लड़कियों के जो पद थे वो 5573 पद थे और इस बार है 2799, ठीक है, वो लगभग डबल का डिफरेंस आ गया। पिछली बार जो कट ऑफ रही है, देखो राजस्थान की अगर हम पिछली बार की कट ऑफ की बात करें तो लड़कियों की जो कट ऑफ है फिजिकल की वो 114 नंबर पे है और इस बार लगभग 117 नंबर तक जाएगी। फिजिकल के लिए बुलाएंगे 117 पे, ध्यान रखना फाइनल मेरिट नहीं है, अगर तुमको गलत फहमी है तो दूर कर लेना, 117 नंबर बता रहा हूं मैं फिजिकल के बता रहा हूं, इतने जाने के चांसेस है। पिछली बार एसएससी जीडी 2022 में 121 पर गई थी, 22-23 से वाली भर्ती ध्यान रखना, 121 पर गई थी उत्तर प्रदेश से लड़कियों की, उत्तर प्रदेश से लड़कियों की पिछली बार गई थी 121 पर, यानी 76%। अगर इस बार हम उसी आंकड़े को अगर इंप्रूव करें, इस बार कितना जा सकती है तो 125 अंक तक फिजिकली कट ऑफ जा सकती है, 124 और 125 आंकड़ा आप मेरा मान लेना, 124 से 25 के बीच में रहेगी, कम से कम 3 अंक इंप्रूव हो जाएंगे। अब यहां पर एक चीज और बता देता हूं, फिजिकल में अगर मान के चलिए किसी स्टेट में मैं इंप्रूव कर रहा हूं 4 से 5 अंक, तो इसका मतलब यह नहीं कि फाइनल मेरिट में भी इतना इंप्रूव होगा, नहीं, फिजिकल में इंप्रूव होगा, फाइनल मेरिट में इंप्रूव कम होगा। अगर फिजिकल में 4 अंक इंप्रूव कर रहा हूं तो फाइनल मेरिट में या तो 1.5 अंक इंप्रूव होगा या 1 अंक, फाइनल मेरिट में ज्यादा अंतराल कम पड़ेगा लेकिन फिजिकल में तो पड़ेगा, क्योंकि फिर छटनी हो जाती है, फिर मेडिकल में कुछ बच्चे वो निकल जाते हैं जिनके नंबर अच्छे होते हैं, फिजिकल में कुछ बच्चे वो निकल जाते हैं जिनके नंबर अच्छे होते हैं क्योंकि उनका रनिंग उनसे होती नहीं है, तो इसलिए वहां पर फाइनल मेरिट में अंतराल कम आएगा, लेकिन फिजिकल में तो अभी तो कोई छटे नहीं है, सीधे पेपर बेस पे छटेंगे तो ये आंकड़े बीट होंगे, मुझे पता है पक्का बीट होंगे। मध्य प्रदेश से बात करें तो 119 रही थी, इस बार मुझे लगता है मध्य प्रदेश से 122 से ज्यादा रहेगी फिजिकल कट ऑफ लड़कियों की। बिहार से 109 रही थी, इस बार मेरा आंकड़ा है 115 बिहार लड़कियों का। पश्चिम बंगाल से 86 रही थी, इस बार 90 लड़कियों की, लड़कों की भी इसके आसपास ही है। गुजरात की बात करें तो 72-75 इस बार रह सकती है फिजिकली कट ऑफ लड़कियों की। अगर हम बात करें असम की 52 थी, इस बार 54 या 55 के आसपास रहेगी। अगर हम बात करें झारखंड की, ये महाराष्ट्र की 82 पिछली बार रही थी, यानी 82 नंबर 160 में, यानी 50% के आसपास, तो इस बार रह सकती है 85, महाराष्ट्र से इतना ही इंप्रूव हो सकता है, और ध्यान रखना है जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूसी की उनकी इनसे नीचे रहेगी। झारखंड की पिछली बार लड़कियों की रही थी जनरल कैटेगरी की 104, इस बार रह सकती है 106। जनरल कैटेगरी जनरल डिस्ट्रिक्ट की है ध्यान रखना, बॉर्डर एरिया नक्सल एरिया उनकी नहीं ले रखी है मैंने, उनकी बता रहा हूं कि बाकी सबकी तो इनसे नीचे रहेगी, मैं तो हाई वाली बता रहा हूं आपको कि हाईएस्ट है ये, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये इस वीडियो का उद्देश्य है
कि अगर इससे ऊपर आपके नंबर है तो आपको 100% फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। इससे नीचे रहेगी कोई भी कट ऑफ, इससे ऊपर नहीं जाएगी, जो मैं आंकड़े बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 93 रही थी, इस बार 95 रह सकती है, इतना ही इंप्रूव होगी छत्तीसगढ़ से, इससे ज्यादा नहीं होगी। अगर हरियाणा की बात करें तो पिछली बार 124 रही थी लड़कियों की, और इस बार 128 रहेगी लड़कियों की, जनरल कैटेगरी जनरल डिस्ट्रिक्ट से। अब जो मैंने आपको आंकड़े दिए हैं ना, ये आंकड़े किसके लिए, ध्यान रखना, ये आंकड़े हैं लाडलो मैक्सिमम की फिजिकल की कट ऑफ। अगर इससे भी आपके नंबर ज्यादा है तो आपको 100% फिजिकल की तैयारी करनी ही चाहिए, क्योंकि इसका मतलब आपके अंक बहुत अच्छे आए। बिना नॉर्मलाइजेशन के इससे ऊपर है तो आपको 100% तैयारी करनी चाहिए। साथ ही आप सबको बता दूंगा, आप प्री मेडिकल भी करा सकते हैं। प्री मेडिकल कराने का फायदा यह है कि एसएससी जीडी में रीमेडिकल का टाइम नहीं मिलता है, उसी दिन मेडिकल उसी दिन रीमेडिकल। अगर आपकी कोई बीमारी है तो अभी ठीक करा सकते हो, हमारी एकेडमी आके भी आप प्री मेडिकल करा सकते हो, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर मेडिकल में पिछड़ जाओगे। समझ गए बात को? ये जो आंकड़े हैं ना, इनको आप भाई समझ लेना, ठीक है लाडलो। तो ये है कट ऑफ के आपके कुछ आंकड़े भाई। जय हिंद, जय भारत।